नमस्कार विनीत जी, NBC 24 मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आज 35वां दिन है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीते दिनों यानी कि 11 तारीख को काउंसलिंग खत्म हो गया था। विभाग के तरफ से यह संदेश आया था कि काउंसलिंग खत्म होगा, उसके बाद शायद रिजल्ट आप लोगों का जारी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिजल्ट आप लोगों का जारी नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस? जैसे कि आपको पता है कि 11 को काउंसलिंग जो हो रहा था माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, वो समाप्त हो गया है। और उस काउंसलिंग के जी पश्चात की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे अगर जिसका भी काउंसलिंग हुआ है तो उसका मार्क्स शो करेगा और उसके लिए ऑब्जेक्शन का लिंक होता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर मार्क्स गलती चढ़ा हो या जो भी हो, कैटेगरी का हो या जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम के लिए लिंक शेयर किया जाता है और अभी तक वो लिंक जारी नहीं हुआ है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि 12 को रक्षाबंधन था और इधर लगातार मतलब ऑफिस जो है वो बंद है, तो हम लोग वेट जी कर रहे हैं, 2-4 दिन का वेट कर रहे हैं। ऐसे 16 तारीख को हम लोग का धरना प्रदर्शन जो होगा वो BTSC ऑफिस के गेट पे होगा। जिस तरह से पहले हमने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, उसी तरह से धरना जी प्रदर्शन होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम लोग 35 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, पर ना ही बोर्ड के तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन या कोई मतलब मौखिक आश्वासन तक नहीं मिला है। तो बोर्ड के सामने यानी SBT सॉरी BTSC ऑफिस के सामने हम लोग 16 तारीख को जी दिन में 11 बजे से विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये धरना प्रदर्शन भी पहले की भांति शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि हमें किसी तरह का कोई उन्माद नहीं फैलाना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है। हमें बस अपने हक के लिए दिखलाना है कि हमें ज्वाइनिंग की आवश्यकता है और हमें हमारी नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो इसके लिए 16 को हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे, यानी 23 तारीख तक अगर हम लोग जी का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है वो भूख हड़ताल में चेंज हो जाएगा। पहले हमारे 5 या 10 साथी बैठेंगे और धीरे धीरे सभी लोग भूख हड़ताल पे अग्रसर होंगे, और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगा जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं जारी होगा। विनीत जी, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता जिस तरीके से बदली है उससे देखिए, जब माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे तेजस्वी जी, पहले उनको मैं जी बधाई दूंगा सभी छात्रों की तरफ से। और दूसरी बात है कि उन्होंने लगातार हमारे मुद्दों को उठाया है। आपने भी उस जी न्यूज़ को कवर किया हुआ था, उन्होंने विधानसभा के सत्र में भी उस मुद्दा को उठाया था, BTSC रिजल्ट को, और उनके जो विधायक हैं माननीय ऋषि कुमार जी, उनके द्वारा भी लगातार उठाया गया है। पालीगंज के जो विधायक हैं संदीप सौरभ जी, उनके द्वारा भी मामला को उठाया जी गया था। और वर्तमान में इधर 4-5 दिन पहले जी सरकार बनने से रितु मैम आई हुई थी, रितु जायसवाल जो कि प्रवक्ता हैं RJD की, और भी RJD के तमाम नेता गण जी लोग आए जी हुए थे। तो जब उन लोग सत्ता में नहीं थे और उन लोगों ने आवाज उठाने के बात कही थी और आवाज उठाई भी थी, तो अब जब जी सत्ता में आ गए हैं तो उनसे अपेक्षाएं तो रहेंगी कि जब वो हमारे लिए लड़ रहे थे और अभी पावर उनके पास है, तो जी हमारी उनसे भरपूर अपेक्षाएं हैं और उम्मीद भी है कि वो इस रिजल्ट को जारी करवाने में हमारी सहायता करेंगे। जी देखिए, कहीं आए हैं और कहीं ना कहीं विनीत का यह साफ कहना है कि हम लोग 16 तारीख को आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण हम लोगों का आंदोलन होगा। कोई बस हम लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब पार्टी थी कहीं ना कहीं तो समर्थन मिल रहा था, और कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष में आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट जो प्रक्रिया है वो होगी और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिलेगी। तमाम बातें सुनी है, विनीत थे BTSC JEE के अभ्यर्थी थे। अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है और तमाम अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है कि भूख हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 मीडिया के साथ बन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।